नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश के दमोह से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें माइक से हाथ पैर और सर काटने की धमकी दी जा रही है। बता दें कि रात्रि में कुछ लोगों का विवाद एक टेलर मास्टर से हो गया। विवाद की वजह लेकिन विवाद ऐसा था मानो लग रहा हो कि देश को हिंसा की आग में झोंका जा रहा है। तो दमोह से ये जानकारी जहां पर विवाद की तस्वीरें सामने आई। हालांकि जो एनआईए से लेकर तमाम जांच टीमें हैं वो जांच कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए। आपने कहा पैकेज नहीं। उनके ना हाथ रहेंगे ना सरों में कर्जन रहेंगी। जरा ध्यान से सुनिए इस आवाज को। उनके ना हाथ रहेंगे ना सरों में कब्जा रहेंगी। ये आवाज किसी इस्लामिक देश में नहीं गूंज रही, ये आवाज हिंदुस्तान की जमीन पर गूंज रही है। देश भर में जिहादियों के आतंक का फन फुफकार रहा है। आए दिन ऐसे जिहादियों के मुख से आवाज उठती है जिससे हिंदुस्तान का सीना छलनी हो उठता है। उनका एक ही मकसद, देश भर में हिंसा फैलाना, देश को हिंसा की आग में झोंक देना। मध्य प्रदेश के दमोह से यह घटना सामने आई जिसमें माइक से हाथ पैर और सिर काटने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि रात्रि में कुछ लोगों का विवाद एक टेलर मास्टर से हो गया। विवाद की वजह यह रही कि इन लोगों के कपड़े टेलर के पास सिलने गए थे, लेकिन जब कपड़े नहीं सिले तो उस पर विवाद हो गया। इस पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए हाफिज सहित अंसार टेलर कोतवाली पहुंचे। घटना की जानकारी लगते ही इनके समाज के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। इसी बीच माइक से एक व्यक्ति ने यह धमकी दे दी कि यदि 24 घंटे के भीतर कार्यवाही नहीं हुई तो ना तो उन लोगों के हाथ रहेंगे और ना सर पर गर्दन रहेगी। बस क्या था, इस बात ने आग में घी का काम कर दिया और तनाव निर्मित हो गया। कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, इसके लिए एडिशनल एसपी के निर्देशन में एक फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई, लेकिन जिस तरह की स्थिति देर रात बनी उससे ये साफ नजर आया कि एक मामूली विवाद को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये किसके संरक्षण में देश को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। एक घटना थी जिसके संबंध में एस पर ला जो कार्रवाई होना थी वो कार्रवाई चल रही थी और हम लोग कर रहे थे। कानून के सामने सब बराबर हैं और वो कार्रवाई जो कानून ब्रीच करेगा उस पर होगी। और कुछ लोग इकट्ठे हुए थे तो उन्हें जो हम लोग को सीआरपीसी पावर है उसके तहत हम लोगों ने उनको उनको जो एप्रोप्रिएट तरीके से कार्रवाई की जाती है वो हम लोग ने करी है। देखिए इस संबंध में चूँकि विषय लॉ एंड ऑर्डर संबंध हम इस पर कहेंगे कि घटना जाँच की भी एस पर ला कानून कार्रवाई होगी और इसमें जो लोग दोनों जो जो लोग भी कानून के दायरे में आएंगे वो कार्रवाई कानून के हिसाब से उनको कार्रवाई होगी। से मामूली सा ये मामला था, एक टेलर ने कपड़े नहीं सिले तो इसके एवज में इस तरीके से तालिबानी धमकी देना कि सर कलम कर दिया जाएगा। कौन है ये लोग, क्या इसको लेकर हालांकि जांच जरूर हो रही है। एनआईए की टीम भी हालांकि तमाम जो जिस तरीके के एंगल सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से लंबा मार्च निकाला गया दमोह में, अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति और इसको लेकर क्या जानकारी। जी मैं आपको बता दूं कि ये दमोह में देर रात है 9:30 बजे करीब ये विवाद शुरू हुआ था। मामूली सा विवाद था कपड़े सिलने को लेकर और इस विवाद ने तूल इसलिए पकड़ लिया कि जैसे ही कोतवाली में जब वो पीड़ित लोग थे वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो उनकी समाज के सैकड़ों लोग कोतवाली पहुंच गए। हालात ये हुए कि वहां पहले नारेबाजी भी हुई, फिर एक माइक आ गया, साउंड आ गया और उस पर से उनने बोलना शुरू किया और एक व्यक्ति ने तो ये धमकी दे दी कि अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होगी तो हाथ काट लिए जाएंगे और सिर और गर्दन अलग कर दिए जाएंगे। यानी तो निश्चित है कि इसको सांप्रदायिक तनाव
माना जाएगा, क्योंकि सांप्रदायिक के रूप में ये लोग ले गए थे, जबकि विवाद थोड़ा सा था, कपड़े ना सिलने को विवाद था। पाई है जो मामूली से विवाद को जो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, सिर तन से जुदा करने की जो बात फिर से यहाँ पर सुनाई पड़ रही है, जिहादी मानसिकता, क्या लोगों की जो है जांच हो गई है, कौन वो लोग हैं, शख्स की पहचान किस रूप में की गई है? जी मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की पहचान हुई है, अभी पुलिस ने इसके बाद मामला दर्ज किया है। 30 से 40 लोगों के खिलाफ 153 ए, 146 और 147 के तहत मामला दर्ज किया है, और अभी 30-40 लोगों के खिलाफ हुआ है मामला दर्ज है। और वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जितने भी लोग है वीडियोग्राफी में जिनके चेहरे सामने आएंगे उनके खिलाफ भी यही मामला दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल, हालांकि मामला दर्ज करने के बाद मुझे जरूर कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील ये मामला दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से फ्लैग मार्च निकाला गया और मुस्लिम इलाकों में लोगों ने कैसे घेराव किया, साफ जाहिर है इस्लामिक कट्टरपंथियों की ये जिहादी मानसिकता एक बार फिर से देखने को मिली है। क्या इसके पीछे कारण माने, क्योंकि जिस तरीके से अब हम देखें मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ, फिलहाल जो नए नवेले मुख्यमंत्री बने, कट्टर हिंदू छवि उनकी है, ऐसे में क्या कुछ अराजक तत्व ये लोग हैं जो अपने मंसूबे को फिर से पूरा करने की फिराक में, हालांकि जिस तरह से जो वीडियो सामने आ रहा है, जो वायरल हो रहा है और खुले मंच पर ये व्यक्ति जिस तरीके से ये कह रहा है एक मामूली सी बात पर कि सिर तन से अलग कर दिया जाएगा, हाथ पैर काट दिए जाएंगे, ये मानसिकता तो इतने मामूली विवाद में नहीं आ सकती। जी मैं आपको बता दूं, ये पूरा घटनाक्रम कोतवाली के अंदर हुआ था, ये कोतवाली परिसर के अंदर ये लोग सभी थे, कहीं से कोई माइक लेके आ गया, साउंड लेके आ गया और उसके बाद बयानबाजी शुरू हुई। तो तैयारी पहले से कैसे कर ली गई, माइक और साउंड कैसे आ गया समय पर, इसको लेकर क्या पुलिस सब कुछ निकल रहा है, निकल कर सामने? जी मैं आपको बता दूं, जो भीड़ यहाँ पहुंची थी वो माइक और साउंड भी लेके पहुंच गई थी। पहले पुलिस ने ये समझा कि कुछ नहीं होगा, वहां पर पुलिस बल भी पर्याप्त नहीं था जिस समय ये लोग पहुंचे थे, लेकिन जब स्थिति बिगड़ी, खुद थाना प्रभारी को सिंघम का रोल अदा करना पड़ा, भीड़ में अकेले जाके लोगों को फटकार लगानी पड़ी। और वही मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भारी पुलिस बल वहां पर पहुंचा था। जी पुलिस बल वहां पर पहुंचा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से सांप्रदायिक रंग इसमें दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में मुझे क्या लगता है किसका हाथ इसके पीछे हो सकता है? हालांकि अक्सर हम ये सुनते हैं कि भारत में कुछ इस तरह से देशद्रोही जो ताकतें हैं वो सांप्रदायिक जहर घोलने का काम कर रही हैं, तो हिंदुस्तान में जो है ये तालिबानी धमकी जिस तरीके से बार बार सुनाई पड़ रही है, ये वाकई कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, गंभीर विषय है, क्योंकि ये जो जिहादी मानसिकता है, मामूली जो विवाद होता है उसे किस तरीके से सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। राजस्थान की अगर हम बात कर लें, कन्हैया का जिक्र यहाँ पर जरूर होगा, क्योंकि हम सब ने देखा किस तरीके से तालिबानी जो है हरकत, शर्मनाक हरकत वहां पर सामने आई थी। चलिए, और इसी पर मेरे साथ अभिषेक तिवारी जी, सीएसपी है, वो जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से दमोह से ये मामला सामने आया सर, मामूली सा हालांकि ये मामला था, कपड़े सिलने को लेकर बहस हुई, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, सिर तन से अलग कर देंगे, हाथ पैर काट देंगे, ये जिहादी मानसिकता ना कही जाए तो क्या कही जाए? देखिए, इस तरीके के लोग जो भी इस प्रकार से गदर होकर इस तरीके की बातचीत की है उनके विरुद्ध भी हमने आईपीसी सेक्शन के अगेंस्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया है, और ऐसे लोगों के विरुद्ध जो नियम अनुसार और जो अकॉर्डिंग टू लॉ कार्रवाई होगी वो बिल्कुल की जा रही है। और साथ ही साथ टीलर से संबंधित जो प्रकरण है, टीलर ने जिन लोगों के विरुद्ध हमें एफआईआर लेख कराने संबंधी फैक्ट बताए थे, हमने उन आरोपीगणों के विरुद्ध भी एफआईआर की है। और दोनों, लेकिन अभिषेक जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, हालांकि भले कार्रवाइयां जरूर होती हो, लेकिन लगता है कि अब ये वाकई बहुत ज्यादा चिंतन का गंभीर ये विषय हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये अराजक तत्व जो अपनी शाखाएं फैला रहे हैं, जिस तरीके से ये बयानबाजी देश के अलग अलग कोनों से सामने आ रही है, ये मामूली बात तो नहीं है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ी नापाक साजिश जरूर, ऐसा लगता है क्या आपको? बिल्कुल, इस प्रकार की अगर कोई साजिश होगी जिसको ध्वस्त किया जाएगा, और इसके सारे एंगल्स पे हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्या कारण थे, किस कारण से इन लोगों में इतना एजिटेशन रहा, और इसको प्रिवेंटिव एक्शन आगे फर्दर क्या लेना है, ये पूरी हमारी जो है इन प्रोसेस है। बिल्कुल, प्रोग्रेस आपकी जरूर होगी अभिषेक जी, लेकिन वाकई में ये जिस तरीके से दमोह का ये पूरा मामला, जिसमें देखिए तस्वीर अगर आप देख पा रहे होंगे अभिषेक जी, भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है, और जिस तरीके से उस समय पर
माइक का इंतजाम कर लिया गया, आप सोचिए साउंड स्पीकर वहां पर आ गए, यानी कि सोचिए समझी क्या ये साजिश? नहीं नहीं एक्चुअली में ये जो है इनके जो हाफिज थे वो एक्चुअली मास्क को वापस जाने के लिए अपील कर रहे थे, लेकिन इनमें से कुछ जो ऐसे तत्व थे जो इस मास्क को जबरन एजिटेट करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी तरफ से ये जो है माइक जो है इस तरीके से बयानबाजी लेने के लिए हाथ में पकड़ा गया, जिसको हम लोगों ने तत्काल जो है वापस लिया गया। और एक कंफ्यूजन था कि ये एड्रेस करते हुए पब्लिक को वापस जाने की बात बोलेंगे, लेकिन इस तरीके के इनके जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट थे जो पब्लिक में से एक व्यक्ति था। बिल्कुल तस्वीर भी हम ये देख रहे हैं कि पुलिस भी बिल्कुल जिस तरीके से उस शख्स के पास पहुंची है, क्या उस शख्स की पहचान हो पाई है, कौन ये शख्स है, क्यों इस तरह की बयानबाजी की, क्यों आबादी को जो है इस तरीके से भड़काने बरगलाने की बात मामूली सी बात पर? इसी विषय को लेते हुए हमने इन ऐसे लोगों पर तुरंत जो है एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। ऐसे सभी लोग जो है वो हमने वीडियो के आधार पर चिन्हित कर दिए हैं और जो बच्चे हुए उन्हें भी चिन्हित कर रहे हैं, और इनके अगेंस्ट में जो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द लॉ कार्रवाई होगी वो बिल्कुल की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक जी जो ये जो तमाम तरह के मामले सामने आ रहे हैं लगातार हम देख रहे हैं कि देश के कोने कोनों से तरह तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, और बिल्कुल आप लोगों की पूरा प्रयास है, पूरी कोशिश है कि इस तरह के अराजक तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाए कि कौन देश के लिए जो है खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन क्या कारण इसके पीछे आप मान रहे हैं, क्या वाकई कोई मास्टरमाइंड इसके पीछे लगा हुआ है? हालांकि तमाम रिपोर्ट्स भी हम देखते हैं, तमाम जो है रिपोर्ट सामने आती है, खबरें सामने आती है, लेकिन हमारे देश के अंदर जब इस तरह की बातें, इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की भीड़ जमा जब हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा लगता है, क्या इसको लेकर लगता है कि बहुत गंभीर हालांकि विषय जरूर है, लेकिन जिस तरीके से मैं भीड़ देख पा रही हूँ ये भीड़ मामूली भीड़ नहीं है। बिल्कुल इनकी जो मांगे थे कि इनके जो लोग हैं जो टेलर हैं और उसके अन्य जो साथी हैं जो मारपीट हुई है उनके जो भी अक्यूज हैं उनको अरेस्टिंग जल्दी की जाए, हम पूरे प्रयास में थे, उनको समझाने का कोशिश भी लगातार जारी थी, बट इनका मूवमेंट जैसे ही थोड़ा सा वायर एजिटेट हुआ तो फिर जो है हमें इनके अगेंस्ट में भी एक प्रकरण दायर करना पड़ा। चलिए मेरे साथ अभिषेक जी, मेरे सहयोगी जो कि दमोह से वहीं के स्थानीय रिपोर्टर हैं विजय जी, अगर आपके मन में कोई सवाल हो, अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हैं, CSP हैं, इस पूरे मामले को लेकर आगे कार्रवाई भी कर रहे हैं। विजय नहीं, मैं वैसे देखा जाए तो दमोह पुलिस अपना काम कर चुकी है और जो मामला दर्ज किया है वो काफी है, और साथ ही आपको एक चीज बता दूं कि पुलिस अभी चिन्हित कर रही है जितने भी लोग उस वीडियो में नजर आएंगे निश्चित ही उनके ऊपर भी मामला दर्ज किया जाएगा। सामने है अभिषेक जी, क्या अभी भी चिन्हित करने का कार्यक्रम प्रोग्रेस आगे चल रहा है, क्या पूरी तस्वीर? जी बिल्कुल, ये रेगुलर मॉनिटरिंग कर रही है क्योंकि उस भीड़ को एजिटेट करने वाले लोग जो कुछ लोग शांति से अपने अपराध कहानी संबंधी विषय को लेकर आए थे उनका मुताला है, लेकिन उनसे जो लोग इस टाइप के एजिटेशन को प्रवोक कर रहे थे उनको हम आइडेंटिफाई करके और उनके लेकिन जो शख्स माइक पकड़कर अपनी जिहादी मानसिकता को फैलाने की कोशिश उस भीड़ में कर रहा है, क्या उस शख्स की गिरफ्तारी की गई है आपकी तरफ से? उसको आइडेंटिफाई करते हुए हम राउंड अप करने का पूरा प्रयास है और हम बहुत ही जल्दी उसे राउंड अप कर लेंगे। चलिए, तो जिस तरीके से हालांकि आप ये कह रहे हैं कि इस पर आगे कार्रवाई जरूर की जा रही है, लेकिन जो मानसिकता, जो एक एक सांप्रदायिक सोच जो इस देश में जहर घोलने का काम कर रही है, ये धीरे धीरे जो है देश को खत्म करने की जो साजिश है, हालांकि नापाक साजिश है, क्योंकि इस तरीके से जो जिहादी मानसिकता बार बार सामने आती रही है, अक्सर हमने देखा है कि कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ हुई है, लेकिन दमोह मध्य प्रदेश जो कि एक शांति प्रिय राज्य है, लेकिन जिस तरीके से इस तरह की चीजें सामने आ रही है, हाल ही में हमने देखा था अभिषेक जी राजस्थान में किस तरह से तस्वीरें सामने आई थी, तालिबानी जो वीडियो आपने भी सर देखा होगा, और ये चीज ऐसा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं चीजें बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल निश्चित है कि जिस दमोह में जिस तरह की घटना घटित हुई, एक मामूली विवाद को बड़ा रूप दे दिया गया और जो कोतवाली के अंदर उसका जो प्रदर्शन किया गया, ये निश्चित ही कि कट्टरवादी सोच जो यहाँ पे नजर आ रही है, और इनमें कुछ ऐसे गिने चुने लोग थे
जो इस तरह की सोच रखकर वहां पहुंचे थे, क्योंकि भीड़ तो वहां बहुत थी और कई लोगों को बाहर करने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन जिस व्यक्ति ने माइक पर सीधा हाथ काटने और सर काटने की बात कही है तो निश्चित तौर पर उसे पुलिस ने आरोपी बनाया है। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उसके कुछ अवैध अतिक्रमण भी हैं जिनको पुलिस भी चिन्हित कर रही है और निश्चित ही आगे पुलिस की कार्रवाई जरूर होगी। जी चलिए, पुलिस की कार्रवाई होगी अभिषेक जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। और विजय, जिस तरीके से अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े थे, सीएसपी थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो है चिन्हित करने का काम जरूर किया जा रहा है, कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन ये सवाल कि जब तस्वीरें सामने हैं, जब वो शख्स माइक पर बोलता हुआ जहर घोलता हुआ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? जी, मैं आपको इस तरह की बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं की जाएगी ना। जी बिल्कुल, आज पुलिस ने मामला दर्ज किया है और सभी आरोप जितने भी अभी नामजद आरोपी बनाए गए हैं, 30 से 40 आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार करने की आज कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और जो मुख्य जिसने ये बात रखी थी, पुलिस उसकी तलाश कर रही है क्योंकि वो अभी फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है जल्दी ही सभी आरोपी बताया। जो ये शख्स है जो माइक पर इतनी जो बातें बोल रहा है, क्या इसका बैकग्राउंड, जिस तरीके से आपने बताया कि अतिक्रमण के भी कई आरोप लगे हुए हैं, क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई तस्वीरें सामने आई, क्या इस तरीके से कहीं जो है सांप्रदायिक रंग देने का काम किया गया, इस तरह की बयानबाजी क्या सामने आई? जी मैं आपको बता दूं कि जो जिसने ये बयान दिया है, माइक से जो बयान दे रहा है, इसके खिलाफ पुलिस ने थाने में एक मामला दर्ज हुआ था, करीब 30 से 40 तलवारें जब्त हुई थी, उसमें ये आरोपी बनाया गया था। ऐसे कई मामले इसके ऊपर हैं जो पुलिस सभी आम मामलों को सामने ला रही है और निश्चित ही इसकी जल्द गिरफ्तारी होगी और इस बार कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी निश्चित होगी। चलिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन वाकई नापाक जो हरकतें लगातार सामने आ रही है, सांप्रदायिक हिंसा में जो चीजों को बदला जा रहा है, मुझे बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हालांकि इस पर जो है अब कार्रवाई की बात की जा रही है और अब जो है जांच के बाद सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी।